दोस्तों इन सवालों को देखिए, सर मेरा पाई अकाउंट फेसबुक से लॉग इन नहीं हो रहा है, इसका सलूशन बताइए। क्या मैंने केवाईसी फॉर्म कंप्लीट कर दिया है, अब कितना वेट करना होगा? सर मेरी माइग्रेशन प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगी? सर दुनिया भर में पाई की असली कीमत क्या की जा रही है? सर पाई अकाउंट में मेरा नाम कैसे सही होगा? और सर पाई कब लॉन्च होगा और ओपन मेननेट कब आएगा? तो दोस्तों अगर आपके मन में भी यही सवाल चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे ही, लेकिन उसके साथ ही साथ उन सभी प्रॉब्लम्स के सलूशन भी आपको दिखाएंगे जो आप अपने पाई नेटवर्क में फेस कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है द फाइनेंशियल एडवाइजर। और मेरा गोल तो आप सभी को पता ही है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ। और क्या, चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से, फेसबुक से लॉग इन नहीं हो रहा है। दोस्तों इसके दो उपाय हैं, एक तो पहले आपको बता ही चुका हूं लेकिन आज फिर से मैं आपको बता देता हूं। आपको जाना है फेसबुक ऐप में और वहां सेटिंग में जाके परमिशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करते ही आपको ऐप एंड वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा और उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी एप्लीकेशन शो होने लग जाएंगे जिसमें आपको पाई को सेलेक्ट करना है। और ऐसा करते ही आपके सामने आ जाएगा रिन्यू का ऑप्शन जिसे आपको क्लिक कर देना है। सिंपली इस तरह से आप अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है तो ये है दूसरा तरीका। सबसे पहले पाई ब्राउजर को अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है? और फिर अपनी फेसबुक आईडी यानी कि अकाउंट को उन सभी डिवाइसेस से लॉग आउट कर दें जिसमें आपका फेसबुक अकाउंट ओपन है। इसके अलावा आपको अपना फेसबुक अकाउंट दूसरे ब्राउजर से भी अनइंस्टॉल करना होगा, यानी कि अगर अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन आपने ओपन किया है और क्रोम में भी फेसबुक ओपन है तो आपको दोनों जगह से लॉग आउट करना होगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल डेटा या वाईफाई बंद कर देना है और मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट के बाद आपको अपने पाई ऐप को ओपन करना है और कंटिन्यू विद फेसबुक पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आप ब्राउजर में जाके ब्राउजर को भी डाउनलोड कर लें और पहले की तरह ही इस्तेमाल करिए ना, और क्या। खैर ये तो हुआ फेसबुक लॉगिन का इशू। अब चलते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सर मैंने पाई केवाईसी के लिए फॉर्म भर दिया है लेकिन केवाईसी अभी भी पेंडिंग है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपका नाम गलत है या आपने गलत डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपनी केवाईसी कंप्लीट की थी तो आप कितने भी रिव्यू करवा लें आपकी केवाईसी को एक बार रीसबमिट का बटन जरूर दिखेगा और तभी आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से रीसबमिट करने होंगे जिसके बाद आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे थे कि सर रीसबमिट का बटन तो आता ही नहीं है किसी के पास, अब क्या करें? तो दोस्तों ये देखो प्रूफ, हमारे एक सब्सक्राइबर के पास ये देखो ये बटन शो हुआ था जिसमें उनके डॉक्यूमेंट्स दोबारा सबमिट किए गए थे और जो केवाईसी उनकी पिछले 1.5 साल से नहीं हो रही थी वो 24 घंटे से भी कम वक्त में हो गई। यार इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर हमने पहली बार अप्लाई किया था और हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक है। तो दोस्तों ऐसे में आपको वेट करना है यार, अप्रैल के लास्ट वीक से लेके 18 मई तक सभी के पास केवाईसी कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगर आपके अकाउंट में कोई दिक्कत होगी तो रीसबमिट का ऑप्शन भी आ जाएगा। इसलिए परेशान ना हो, सब हो जाएगा। हमारे सब्सक्राइबर्स इस बात को जानते हैं कि टेलीग्राम में हमारी टीम सभी की हेल्प करने की कोशिश करती है और अभी तक हमने जिन जिन लोगों को टेलीग्राम से सपोर्ट किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नीचे कमेंट में आके लोगों को जरूर बताएं कि हमारी टीम आप लोगों की प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करती है, चाहे उसके लिए हमें मॉडरेटर से ही बात क्यों ना करनी पड़े। खैर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें लोग परेशान हैं अपने नाम चेंज को लेकर। अब दोस्तों यहाँ आप ध्यान से समझिए, अगर आप अपने नाम में छोटा मोटा चेंज करवाना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। जैसे कि आपके नाम में किसी लेटर की मिस्टेक है या नेम और सरनेम आगे पीछे हो जाएंगे, ये तो भी ठीक है, हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा नाम बदलना चाहेंगे तो आपको नेम चेंज की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यस, ऐसे में आपको उसी नाम के व्यक्ति को ढूंढना होगा जिस नाम से वो अकाउंट बना है और उसके साथ मिलकर कॉम्प्रोमाइज करना होगा और केवाईसी करनी होगी जिससे आपका अकाउंट एक्टिव हो सके। अब जिन लोगों को छोटे मोटे चेंज करना है तो उसे प्रोफाइल में सी हाउ का ऑप्शन मिलेगा, वहां जाके वो नाम ठीक करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर जिनमें लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरे सभी स्टेप्स क्लियर हैं लेकिन माइग्रेशन अभी तक नहीं हुआ है,
मैं खुद इस चीज को लेके काफी परेशान था दोस्तों, लेकिन मोड से बात करने पर मुझे पता चला कि इस महीने की शुरुआत में माइग्रेशन की प्रोसेस को एक महीने के लिए टेम्पररी बंद किया हुआ है, क्योंकि पूरी टीम का फोकस नकली और स्पैम अकाउंट्स को बंद करना है ताकि लोगों की केवाईसी हो सके, और जब ऐसा हो जाएगा तब माइग्रेशन को शुरू कर दिया जाएगा जो लगभग मई के आखिरी हफ्ते तक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर, ओपन मेननेट कब आएगा और फिर पाई कब लॉन्च होगा। तो दोस्तों वैसे तो इसका समय जून में रखा गया है, लेकिन हमारे पास एक उपाय है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार पाई लॉन्चिंग कब शुरू हो सकती है। दरअसल मोड्स का कहना है कि माइग्रेशन के बाद सबसे पहले उन पाई को मेननेट पर लाया जाएगा जो डेवलपर्स या माइनर्स के लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में नोड्स से माइन हो रहे हैं, और जब ऐसा होना शुरू होगा तो ये खबर सभी को मिल जाएगी। इससे हमें पता लग जाएगा कि सिर्फ कुछ ही दिनों में पाई मेननेट शुरू होने वाला है। वैसे कुछ लोग कह रहे थे कि सर नोड से माइन कैसे करते हैं बता दीजिए, तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, पाई की कीमत क्या हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में पाई के एक मॉडरेटर ने पाई का सौदा किया था जिसमें उसने 100 से कम पाई को $30 तक में बेचा था, और वहीं 100 से ऊपर होने पर पाई का प्राइस $96 हो गया था जिसको उसने 95 में खरीदा था। इससे साबित होता है कि मॉडरेटर्स अगर अपने आप में इस प्राइस को $100 तक ले जा सकते हैं तो आने वाले समय में पाई एक क्रांतिकारी क्रिप्टो के तौर पर बाजार में उतर सकता है। तो दोस्तों इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी तक जिन लोगों ने पाई की माइनिंग शुरू नहीं की है वो अभी कर लें। अब किस बात का इंतजार है यार, इतनी सारी चीज़ें तो हो रही हैं, पाई की माइनिंग शुरू कर लो यार, और क्या। दूसरा, अगर आपके पास ऐसे लोग या दोस्त हैं जिनको क्रिप्टो पर भरोसा नहीं है या जो आपसे क्रिप्टो के होने का सबूत मांगते हैं, तो ऐसे लोगों को आज अपने रेफरल लिंक से पाई को जोड़ दीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके पास कम से कम 1000 पाई हो जाए। इसके साथ ही जिन लोगों को पता नहीं है कि शुरुआत कैसे करनी है वो सिंपली डिस्क्रिप्शन में आके लिंक की मदद से पाई को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ एक बटन तो दबाना है दोस्तों, और क्या करना है, वो भी 24 घंटे में एक बार, सिंपल। खैर वीडियो काफी लंबा हो गया लेकिन काम का जरूर था ना कि नहीं था, था। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए ताकि ऐसे ही बाकी के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी आपको चैनल में मिल जाए इजिली, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम में आके पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भी शुरू करने जा रहे हैं जहां हम सभी लोग एक दूसरे से लाइव बात कर पाएंगे ताकि इतने सारे मैसेजेस का जवाब देने के साथ साथ लोगों से बात भी हो पाए। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और जारी रखिए अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ।